वही बोले मेरिट नॉन मेरिट बराबर कर दिया तो मेरिट में अगर हम आप बराबर बोलने से हो जाएगा सर, कब आप सदा नहीं कर सकता। लेटर भी तो जारी कर दिया सर, लेटर जारी कर दिया तो कहाँ कुछ हुआ, कहा ने उसका फिर रिजल्ट किया 1675 सीट का अगर रिजल्ट था इतना दिन तक बैंक क्या किया। अरे क्या करे, मंत्री जी का कहना था कि क्या करें, लोग मरने और मरने के लिए आतुर था तो कौन एक पेड़ को संभालता, बोल भी है बोलने में क्या जाता है, जब तक संभावना नहीं देंगे राजनीति है ना, जब तक संभावना नहीं देंगे तो चार बसाना गोस्ता में मर जाता तो उसका रिस्क कौन उठाता, उसका परिवार बिगड़ जाता। यही बात पुजार कहाँ से बोल रहे हैं सर, हमने आपको बताया ना, बेलतोम प्रसाद बोल रहा हूँ। हम यही बात थोड़ा आपका मैसेज तो पढ़े, चलिए मेरिट में आने के लिए संपर्क करें, लेकिन यहाँ मेरी बताना चाहूँगा कि इसमें जो 1675 सीट का रिजल्ट कल के डेट में जो पब्लिक होने वाली है इसमें 1000 सीटी सिर्फ वैकेंट वाला है और 600 स्टूडेंट जो क्वालिफाई तो किए बट तकनीकी प्रॉब्लम के कारण वो नॉट इन मेरिट लिस्ट हो गए, आखिर उन लोगों का जो है जो केस मुकदमा हुआ नोटिफिकेशन जब कोर्ट से आया आखिर इसका भी तो रिजल्ट देना है ना सर, आखिर अगर ये नहीं देंगे तो फिर 7 नवम्बर तक जो हम लोग काउंसलिंग करने वाले हैं तो कैसे होगा, इनका काउंसलिंग इधर क्या हुआ, इनका काउंसलिंग 7 नवम्बर से होगा, इनका रिजल्ट हुआ रिजल्ट जो मेरिट में है उनका की और दूसरे का, जो जो मेरिट में आए हैं उनका होगा सर, अभी तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से कि मेरिट वाले को किया जा रहा है, अगर देखने को मिल जाएगा तो फिर हंगामा हो जाएगा, ओ जब 2-3 दिन बाकी रहेगा तब देखिएगा। नहीं एक बात सर, सरकार तो करी 6ठा चरण खत्म होगा तब 7वां चरण वाले को करेंगे, तो ये तो मेरिट एस्टेट 2019 वाले को काम 7वां चरण में करेंगे, आप कहते हैं जब इतनी ईमानदारी से होने का रहा था तो फिर इतना घोटाला हुआ कि राजनीति में सब क्या हो जाता है पता चलता, तो इसका हम आप ऊपर से यही है कि मेरिट वाले को फायदा मिलेगा, तो मेरिट वाले को तो मेरिट सिलेक्शन होगा ना और नौकरी उसी को होगा, मेरिट वाले को वाले को नॉन मैरिट वाले को, ये आप सही बोल रहे हैं सर, आपकी कसम मैं कभी भी किसी ने झूठ नहीं बोलता। अच्छा तो क्या करना होगा सर, इसमें हम जितने भी स्टूडेंट का कर रहे हैं 280,000 का गिर रहा, हाँ 40,000 रुपये हम पहले लेते हैं अपने अकाउंट पे, उसके बाद इंस्पेक्टिंग टेबलेटिंग सब विभाग में जाता है, ऊपर तक जाता है पैसा, उसके बाद आपका पेपर जाता है आधा घंटा के अंदर आपकी जो मैरिट सिलेक्शन जो है सिलेक्शन मार्क होता है वो आपका मैरिट क्लियर किया जाता है, इसे ही मार्क के ध्यान से क्लियर होती है आपको सर के सिस्टम पे हम भिजवा देते हैं मार्कशीट आपके व्हाट्सएप नंबर पर ताकि आप देख लें कि देखिए आपका काम हो चुका है, जब आप देख लेते हैं क्लियर हो जाते हैं अपने आप में कि सर मेरा पैसा लगा लेकिन मेरा काम हो गया, तो आप बाकी का अमाउंट क्लियर करते हैं तो रैंक यहाँ से क्लियर करवा करके तुरंत रेंट से करवा दिया जाता है। अच्छा ये बताइए सर, अब जिसको रेंज मिल गया है तो उसका रेंज कैसे हटा दीजिए, रैंक मिल गया है तो सीट खाली है ना सर, सीट अगर फुल हो जाती टोटल सीट अगर फुल हो जाता तब किसी का बाप का हिम्मत नहीं है आपको कर देगा, जब तक सीट खाली है जब तक तो रैंक खाली है, एक मामले में जिस विषय में खाली नहीं है तो जैसे कंप्यूटर में सोशल में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस
इसमें 100-150 से नहीं खा सकता, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट अप्लायर होते हैं तो आपको मालूम होता है इस चीज के बारे में कि कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी विषय में कोई अर्थो करवा दिया जाता है कि एमएस स्कूल है। इसलिए क्योंकि इतना ना नेता और पुलिस और दुनिया अदारे का पैरवी रहता है, इस बात को जनता क्या समझेगा। आपका भी कहना सही है। देखिए सर, आप मेरे साले नहीं जो कि हम आपसे मजाक कर रहे हैं। जो भी बातें हम करते हैं किसी के लाइफ कैरियर से जुड़ा हुआ होता है, और किसी के लाइफ कैरियर से जुड़ा हुआ बात में कभी भी मजाक कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल ऐसा है तो अच्छी बात है। हर डिपार्टमेंट में तो भ्रष्टाचार है सर, जहाँ पैसा है वहाँ सीट बन जाती है। आप हॉस्पिटल जाइए, नंबर लगाए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, जहाँ तो 500 रुपए ढीला कर दिए पॉकेट से, भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना। तुरंत देखिए सीट आपका 100 नंबर में है कि अभी नंबर नहीं आ रहा है। आप 500 जहाँ तो दिए देखिए, अगला नंबर आते जाए दिखा लीजिए ना, क्या कीजिएगा। दुनिया यही है, ऐसा एक ऐसा चीजें है कि हर कोई का कीमत। तो आप लोग जो ऐसा करिएगा हम लोग को फंसेंगे तो नहीं, कैसे फंसिएगा। वर्क आपका स्पेशल थोड़ी होगा, जनरल वर्क होगा ना, जैसे सब स्टूडेंट का हो रहा उसी आपका होगा, फंसने का जगह कहाँ। जैसे नंबर कम होगा तो बढ़ाइए ना इसका मतलब। 2008 वाला है, आप कितने लोगों का काम आया तो कहाँ आज तक देख रहे हैं कि किसी का कंप्लेन हुआ है। सबको मजे में ड्यूटी कर रहा है, आज दो साल ड्यूटी करने का उसको कोई निकाल सकता है। आप क्या नवंबर में कौनसिलिंग, नवंबर में कौनसिलिंग हो जाएगा मेरे घर में। दिसंबर होते से सबको ज्वाइनिंग करवाना है सर, दिसंबर से ज्वाइनिंग है ऐसा तो। लेकिन कोई सूत्र से पता नहीं चल रहा, आपके सूत्र से तो पता चल रहा है। पता चलेगा तो फिर हल्ला हंगामा हो जाएगा सर। सेकंड लिस्ट के बारी जब आई तो कुछ अधिकारी लोग का कहना था कि इसको पब्लिश करवाया जाए, मंत्री जी क्या जवाब दिए। जब हम लोगों का मीटिंग बैठक हुआ समिति का, तो हम लोग को क्या मंत्री जी बोले, तो फिर मरवाइए दो चार गोटे और क्या कीजिएगा। जब आप लोगों को समझ में आता है, जब क्लियर बोल दिया गया है इस तरह का बात, तो फिर आप लोग मुद्दा उठाइएगा तो जनता पब्लिक किसी को छोड़ेगा। कारण रिजल्ट यहाँ 35,444 है, रिजल्ट 80,000 पार। रिजल्ट यहाँ 35,444 है, रिजल्ट 80,000 पार। किससे दुश्मनी। ठीक है भाई, रिजल्ट देना था तो यहाँ तो ज्यादा रिजल्ट दे के बोर्ड ना गलती किया है सर। वही ना कह रहे हैं कि सब सब तो यहाँ घोटालेबाजी, क्या किया जाए। पैसे पर रिजल्ट खाना था मंत्री जी क्या दूध के धुले हुए हैं। सब तो पैसे खाना चाहता मंत्री जी क्या दूध के धुले हुए हैं। कौन शिक्षा मंत्री। आपको क्या लगता दूध के धुले हुए हैं। वो हमको तो ऐसा नहीं लगता, वो सही आदमी है। आपके अनुसार से बताइए आज। वो तो अभी तक का सबसे कमजोर शिक्षा मंत्री लग रहा है। आपको क्या लगा कि इतना बड़ा घोटाला हो गया और आए आप आसन दे के चुपचाप बैठ गए, फिर दोबारा कहा ना कुछ बोले कभी भी। हाँ ये बात भी सच है, दोबारा मेरिट नॉन मेरिट पर तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। यहाँ तो रुपया सर यहाँ सर ले लेंगे। अच्छा उनको सीट से थोड़ी मतलब, उनको पैसा से मतलब। हाँ कोई जाए भाड़ में जाए। जिसको नौकरी करना है सीधे जान रहा है कि जो भी वैसा है पैसा देंगे तभी होगा। हाँ बात तो सही है आपका, तो शिक्षा मंत्री भी इसमें लिप्त है। हम तो इतना ही कहेंगे कि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, पेमेंट करवाइए अपना रिजल्ट देखिए। ना हम ये कह रहे थे इसमें शिक्षा मंत्री भी लिप्त है, इसमें उसको भी पैसा जाता होगा। जब पैसा नहीं जाएगा तो फिर उसका बैठेगा कैसे। अच्छा कैसे कैसे पैसा पेमेंट करना है। जैसे जैसे आपको बताएं क्या
अपना बताया ना आपको कि मैं अपना अकाउंट नंबर आपको दूंगा, उससे आप जाने पर पेमेंट कीजिए।